हिंदी सिनेमा को हमेशा से दक्षिण क्षेत्र का साथ मिला है। दक्षिण से आए बेहतरीन कलाकारों ने हिंदी सिनेमा पर राज किया था। 80 और 90 के दशक के मध्य में दक्षिण से बहुत ज्यादा संख्या में दक्षिण भारत के सुपरस्टार कलाकारों ने हिंदी सिनेमा में काम किया और बहुत प्रशंसा भी जुटाई। पर सभी कलाकारों का नसीब भी एक जैसा नहीं था। किसी के सितारे खूब चमके तो किसी को खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में कुछ कलाकार ऐसे थे जिसे आपने 2-3 फिल्मों में देखा, सुपरहिट का दर्जा मिलने के बाद वे लोग अपने स्थानिक फिल्म क्षेत्र में लौट गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज हम प्रसिद्ध अभिनेत्री राधिका की कहानी सुनाने वाले हैं। ये वही अभिनेत्री हैं जो एक फिल्म में अजीब प्रकार की हेयर स्टाइल के कारण खूब प्रसिद्ध हुई। 1986 में रिलीज हुई नसीब अपना अपना फिल्म में अमरीश पुरी अपने बेटे ऋषि कपूर की शादी ऐसी लड़की से करवाते हैं जिसका सांवला रंग और हास्यास्पद चोटी के कारण विवाह हो नहीं रहा था। लड़की के पिताजी अमरीश पुरी के दोस्त थे। अमरीश पुरी ने लड़की के पिताजी से वादा किया कि वे अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से करवाएंगे। ऋषि कपूर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने लड़की को बिना देखे इनकार कर दिया। फिर भी अमरीश पुरी उनकी शादी उस लड़की से करवाते हैं। उस साल की इस सुपरहिट फिल्म के कारण राधिका को खूब प्रसिद्धि मिली। उनका सहज अभिनय देखकर इस बात का अंदाजा लगता नहीं कि उनकी हिंदी कमजोर है। हिंदी सिनेमा से राधिका का रिश्ता कब का टूट गया है, पर तमिल और तेलुगु फिल्म जगत में आज भी लाइमलाइट झलकती रहती है। राधिका शरद कुमार का जन्म 21 अगस्त 1962 को एक फिल्मी परिवार में हुआ। उनके पिताजी M.R. राधा तमिल फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता रह चुके थे। साथ ही राधिका की माताजी गीता श्रीलंका से ताल्लुक रखती थी। M.R. राधा और गीता को राधिका के अलावा दूसरी बेटी निरोशा तथा दो बेटे राजू और मोहन भी हैं। निरोशा भी एक अभिनेत्री रह चुकी थी। अभिनय में उतरने से पहले राधिका की पढ़ाई लिखाई भारत के अलावा श्रीलंका और इंग्लैंड में हुई। M.R. राधा अपने दौर के बड़े कलाकार थे, इसलिए उनकी बेटी ने उम्र के 16 साल से अभिनय करना आरंभ किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि राधिका ने बाल उम्र में ही तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषा में काम करना शुरू किया था। 1978 से 1983 के मध्य में उन्होंने इन सभी भाषा की फिल्मों में पदार्पण किया था। हालांकि 1978 में आई तेलुगु फिल्म किझाके पोगुमरेल राधिका की पहली फिल्म थी। हिंदी भाषा का कारवा 1979 की फिल्म हमारे तुम्हारे के साथ शुरू हुआ। उसके बाद अपने पराए और असली नकली इन फिल्मों के साथ राधिका छोटे छोटे किरदार में दिखती रहीं। जैसे कि पहले बताया, राधिका की एकमात्र सुपरहिट हिंदी फिल्म नसीब अपना अपना थी। इस फिल्म के अलावा वो किसी भी हिंदी फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रूप में दिखी नहीं, क्योंकि तमिल और तेलुगु फिल्म जगत में वो हर साल 12-15 फिल्मों में दिखती थी। शायद इस वजह से उन्हें हिंदी फिल्मों के लिए कभी समय मिला नहीं। आज का अर्जुन और कुदरत का कानून के बाद लाल बादशाह उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी। आज का अर्जुन के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। हिंदी दर्शकों के लिए राधिका गायब हुई, पर अपने क्षेत्रीय फिल्मों में वो हमेशा दिखती रहीं। वहां उन्हें नेशनल अवार्ड के साथ अनगिनत पुरस्कार मिलते रहे। इतिहासकार बताते हैं कि जब से उन्होंने काम शुरू किया था तब से आज तक लगातार काम कर रही हैं। राधिका ने 90 के दशक में खुद की प्रोडक्शन कंपनी रदान मीडिया वर्क्स खोलकर अनगिनत धारावाहिकों का निर्माण भी किया। सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए वो आज भी दर्शकों से जुड़ी हुई हैं। 2017 में राधिका अचानक ब्रेकिंग न्यूज में आई, क्योंकि उनके प्रोडक्शन हाउस में हुए गैर कानूनी आर्थिक गतिविधियों के कारण कोर्ट ने राधिका और उनके पति शरद कुमार को दोषी साबित किया और उन्हें 1 साल की जेल भी हुई। पर मामला ठंडा होने के बाद इस सजा को खारिज भी कर दिया गया। इस घटना के बाद 2019 में भी राधिका सुर्खियों में आई, क्योंकि उसी साल श्रीलंका में आतंकी हमला हुआ था जिसमें सैकड़ों आम नागरिकों की हत्या हुई
और दो होटल्स को टारगेट किया गया। इस हमले के कुछ समय पहले ही राधिका आतंकवादियों के निशाने वाले होटल से निकल चुकी थी। राधिका के पर्सनल जीवन पर बात करें तो पता चलेगा कि उन्होंने दो शादियां की थी। पहली शादी 1990 में एक ब्रिटिश नागरिक रिचर्ड हार्डी से हुई। ये विवाह सिर्फ 2 साल तक टिका। उस दौरान राधिका को एक बेटी रयाना हुई। इसके बाद दूसरी शादी 2001 में प्रसिद्ध एक्टर और पॉलिटिशियन शरद कुमार से हुई। इस विवाह से राधिका को एक बेटा राहुल हुआ। काफी लोगों को पता नहीं होगा कि जाने माने क्रिकेटर अभिमन्यु मिथुन राधिका के दामाद हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।